यहाँ हो रही है बारिश आज कराची में। मेरी बालकनी में एक्चुअली ये लगे हुए पता नहीं क्या कहते हैं इसको। एनीवेज तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा बारिश हो रहा है, ज़बरदस्त मौसम। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं नीचे नहीं जा सकती क्योंकि कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। बेटे को मैंने नीचे भेजा है, नायन नीचे गए हैं, तो शायद यहाँ से नजर आ जाए आप लोगों को। कल मुझे शौक हो रहा था प्लांट्स का। मैं ये मिंट प्लांट लाई थी, पर मैं इसको सही से इसके लीव्स ना आए नहीं। शायद मुझे इसको करना नहीं आया, आई डोंट नो। अब क्योंकि इसके ना ये इस तरह से खुशबू बिल्कुल मिंट है। मैंने इवन जब मैं नया नया लाई थी तो मैंने इसको यूज़ भी किया था, पर पता नहीं इसके जो ये पत्ते हैं ये बड़े ही नहीं हो रहे। तो शायद इसका तरीका डिफरेंट होता होगा इसको बनाने का। बारिश में नहा के क्या किया नीचे? सब गीले हो रहे हो, अभी शावर लेना है। हालत देखो अपनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ अलीज़े। तो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ हेयर ऑयलिंग करने का तरीका और उससे आपको क्या एडवांटेज हो सकता है और क्या एडवांटेज हो सकता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता हेयर ऑयल लगाने से आपको नुकसान भी हो सकता है। पहली चीज़ ये कि जब भी आप तेल लगाएँ तो कोशिश करें ऑर्गेनिक तेल लगाएँ, केमिकल वाला तेल मत लगाएँ। और अगर आपको ऑर्गेनिक तेल कहीं से नहीं मिल रहा तो बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो उसको देख के आप तेल घर में भी बना सकते हैं। पहली टिप तो ये। दूसरी टिप उसके बाद ये है कि जब भी आप तेल लगाएं, मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप अपने बालों पे तेल कैसे लगाएं, अपने स्कैल्प पे किस तरह से मसाज करनी चाहिए और उसके बाद अपनी हेयर लेंथ पे तेल ज़रूर लगाना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं स्कैल्प पे लगा लेते हैं और लेंथ पे नहीं लगाते। उससे क्या होता है आपकी लेंथ ड्राई रह जाती है, स्कैल्प आपका मॉइस्ट हो जाता है। जिस तरह से हमें अपनी स्किन पे मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, उस तरह हमारे बालों को भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। जब उसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा होता तो हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। तो उसी तरह तेल जो है आपके बालों को, आपके स्कैल्प को मॉइस्ट करता है और जो ड्राइनेस और फ्रीजीनेस होती है आपके बालों में उसको ख़त्म करता है। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, हाथ में इस तरह से तेल ले लेंगे। तेल लगाने के बाद हम इस तरह से मसाज करेंगे अपने स्कैल्प पे। फ्रंट से हम स्टार्ट करेंगे, आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ की मूवमेंट कैसी है। इस तरह से हम लगाएंगे, फिर बालों को उठा के आप चाहें तो पार्टिंग कर लें, दोनों साइड पे बाल इधर कर लें, या तो लेयर ले लें, लेयर पे बाल तेल लगा लें। आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, पर आपका जो एक हैंड मूवमेंट होनी चाहिए वो लाइट वेट होनी चाहिए। और मसाजिंग, जिस तरह हम फेस पे मसाज करते हैं उसी तरह हम अपने स्कैल्प पे मसाज करते हैं। ये मेरे पास एक अदान हेयर ऑयल है, बहुत ज़बरदस्त हेयर ऑयल है। ये मुझे पीआर पैकेज में मिला था और मैं यही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, अब तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है। तो बालों की पीछे की साइड पे भी मैं इसी तरह से अपना मसाज करूँगी और इस तरह से मेरी हेयर ऑयलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये कि रात में आप ना करके सोएं। जो ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग होती है बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़े कहते हैं कि रात को तेल लगा के सो जाओ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। रात को तेल लगाने से क्या होता है कि तेल 12-14 घंटे आपके स्कैल्प में रहता है। जब वो स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो आपका स्कैल्प ड्राइनेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये कि हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी एक्सट्रीम हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। दूसरा नुकसान ये कि आपको डैंड्रफ स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको कभी ज़िंदगी में डैंड्रफ नहीं हुई होगी, अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको डैंड्रफ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो बहुत मेन पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब भी आप तेल लगाएं तो आप नहाने से 2 घंटा पहले तेल लगाएं। सॉरी, मुझे यहाँ पर कफ आ गई है तो अब मैं दोबारा वापस आऊँगी। तो नहाने से 2 घंटा पहले आप तेल लगाइए। तेल लगाने के बाद 2 घंटे बाद आप उसको शैम्पू से वॉश कर लें और कंडीशनर लगा लें। कोशिश, कंडीशनर जो है कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगता, हमेशा आपके एंड्स पे लगता है, चाहे वो लीव ऑन हो चाहे वो रिंस ऑफ हो। और
कोशिश करें कि केमिकल फ्री हो। केमिकल वाला तेल लेंगे तो आपको उससे नुकसान होंगे फ्यूचर में, आपको आपके ग्रे हेयर, अर्ली ग्रे हेयर जो होते हैं, हम जैसे प्री मेच्योर ग्रे हेयर कहते हैं, वो भी आपको होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इन सब चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। तो लोगों के जहन में बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट हैं इन सब चीज़ों के, तेल भी आपको नुकसान दे सकता है अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे। तो मैं हमेशा नहाने से 2 घंटे पहले लगाती हूँ या 1.5 घंटे पहले लगाती हूँ और फिर नहा लेती हूँ। मेरा ऐसा नहीं होता कि मैं लगा कर बस मैं भूल जाऊँ शाम तक। तो ये कुछ टिप्स थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको भी इससे फ़ायदा मिले। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको कुछ और भी क्यूरी है बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे